हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग? वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है कि थोड़ा वेदर बहुत अच्छा है, ठंडी ठंडी हवा भी आ रही है और धूप भी है बाहर। तो मैं सोच रही हूँ कि आज हम ना गार्डन करेंगे। गार्डन मतलब थोड़ा सा तीन चार थोड़ी सी जगह है। हम यहाँ पे अपार्टमेंट में रहते हैं ना, तो अपार्टमेंट में इतनी जगह नहीं होती है गार्डन करने के लिए। पर यहाँ पे हमारी पूरी कम्युनिटी, लाइक इंडियन कम्युनिटी है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा बाहर इनो कॉर्नर पे सब थोड़ा बहुत इनो गार्डनिंग कर लेते हैं। तो अब समर टाइम है, तो लास्ट टाइम तो हमने ना मिर्ची लगाई थी, टमेटो लगाया था, भिंडी लगाई थी और काफ़ी सारी मतलब गार्डनिंग की थी। तो आज इस साल तो मैं सोच रही हूँ, लाइक इनो टमेटो है, मिर्ची है, एक प्लांट है, एक प्लांट मतलब बैंगन है, और थोड़े बहुत और कुछ ना लगाना सोच रही हूँ। सो अच्छा रहेगा गार्डनिंग, थोड़ा बहुत टाइम भी चला जाएगा। अभी घर पे है और अभी सोच रही हूँ कि नेक्स्ट वीक और प्रोबेबली जून 1 को मैं अपनी जॉब ज्वाइन करूँ फिर से, कि जॉब पे से भी फ़ोन आ रहा है कि कब से ज्वाइन कर रहे हो। तो मैंने सोचा है कि अभी ना तो टाइम भी बहुत हो चुका है, 3 महीने घर पे बैठे हैं, बोर भी हो चुके हैं अब। तो सोच रही हूँ कि फिर से जॉब शुरू कर दूँ और यू नो थोड़ा बिज़ी हो जाऊँगी, आई नो दैट। और नेक्स्ट मंथ से बच्चों का वैकेशन भी शुरू हो जाएगा, तो अब देखती हूँ किस तरह से सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, तो किस तरह से करूँ। मैंने कल बताया था कि मैं अपनी ना मामा के घर जा रही हूँ मिलने के लिए बाहर से। अच्छा, बहुत अच्छा लगा, उसकी हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छी है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट कि यू नो माय मॉम्स लाइक यू नो राइट नाउ लाइक 68 ईयर्स ओल्ड, और काफ़ी अभी हेल्थी अच्छी उसकी, और देखा है तो पहले की तरह अब चलती है घर पे और ये सब कुछ रूटीन उसका फिर से पहले के जैसे हो रहा है धीरे धीरे। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट। सो व्हाट आई मीन कि अब और तो कुछ है नहीं यहाँ पे घर पे करने के लिए, लॉकडाउन जैसा ही है यहाँ पे US में भी। तो सुबह सुबह क्या करें, अभी घर में कुछ नहीं है यार करने को। लाइक सुबह उठे, चाय बनाई और यू नो थोड़ा बहुत लंच कर लिया, ब्रेकफास्ट कर लिया है, और ज़्यादातर हम सुबह में इतना नहीं खाते कि फिर नींद आना शुरू हो जाए। तो US में इतना सब कुछ ना इंडिया की तरह नहीं होता कि सुबह सुबह दाल चावल रोटी सब्जी, यू नो यूजली इंडिया में ऐसा होता है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे सुबह सुबह यू नो थोड़ा सा ब्रेकफास्ट और हो जाए और ना जॉब पे निकल जाते हैं हम लोग, कॉफ़ी और थोड़ा सा स्वीट या बेगल और समथिंग यू नो सैंडविचेस लेके निकल जाते हैं, तो हमारा ब्रेकफास्ट हो जाता है। लंच के टाइम हम लोग ना प्रॉबली थोड़ा सा हल्का सा ही खा लेते हैं कि फिर से काम करना है जॉब पे। शाम को थोड़ा बहुत हैवी हो जाता है पर हम लोग जल्दी खा लेते हैं ना, डिनर जल्दी हो जाता है हमारा, लाइक अराउंड 6:30 to 7 o'clock में सब कुछ यू नो ख़त्म हो जाता है, किचन विचन साफ, क्लीन अप, एवरीथिंग डन हो जाता है। तो अभी तो मेरे पास टाइम ही टाइम है, और यहाँ पे तो क्या है कि मतलब कि यू नो बोर होता है तो हम बर्तन ही ना डिश वॉशर में रख देते हैं, तो रात को हमने रख दिया है तो सुबह सुबह यू नो करके सो जाते, तो सुबह इतने मस्त यू नो बर्तन चमकीले हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं, तो बर्तन इतना इंडिया की तरह घसना नहीं पड़ता, घिसना नहीं पड़ता, बर्तन करना नहीं पड़ता है यहाँ पे। अभी मेरे को लॉन्ड्री भी करनी है, तो आज सोच रही हूँ लॉन्ड्री करूँ या गार्डनिंग करूँ, पता नहीं है। पर अभी देखती हूँ कुछ दोनों में से एक तो मैं करूँगी, कि नो कल फ्राइडे भी है, फ्राइडे को US में बहुत अच्छा होता है ना, सब फटाफट अपनी जॉब ख़त्म करके फैमिली के साथ एंजॉय करते हैं और यू नो बाहर खाने जाते हैं, यूजुअली ऐसा होता, पर अभी तो ऐसा कुछ नहीं होगा, अभी कोरोना वायरस की वजह से हम सब के सब घर पे ही है, पर घर पे ही एंजॉय कुछ अच्छा सा बना लेते हैं और यू नो एंजॉय कर लेते हैं। और तो यू नो अभी ये है ना कि पता नहीं कब ये सब कुछ ख़त्म होगा, अभी आई होप दूसरा कुछ नया शुरू ना हो जाए यहाँ पे US में। हमने तो कभी नहीं सोचा था कि US में ऐसा सब कुछ हो सकता है, पर स्टिल यहाँ पे भी
हो सकता है बॉस, कुछ कह नहीं सकते यहाँ पे भी। अभी 3 महीने से हम घर पे बैठे हैं, तो यहाँ की गवर्नमेंट इन्हें इतनी अच्छी है कि सब सिटीजन को पैसे देती है घर चलाने के लिए, यू नो, सर्वाइव करने के लिए, तो बहुत अच्छा रहता है उसकी वजह से। पर अभी देखते हैं क्या होता है, अभी जॉब शुरू करनी है और फिर से रूटीन शुरू हो जाएगा। फिर भी थोड़ा सा डर रहता है कि वायरस की वजह से, यू नो, हम जॉब पे जाएंगे, जॉब पे कि इतने सारे लोग होते हैं बाहर, कैसे कितनों को, यू नो, मिलते होंगे, बातचीत करते होते। हम लोग इंडियन तो क्या होता है ना, इंडियन तो घर पे, घर से जॉब और जॉब से घर, यही करते रहते हैं। और सैटरडे संडे को फैमिली से अभी तो फ़ोन पे ही बात कर लेते हैं, अब किसी के घर पे जाते नहीं है। और ये गोरो है, अमेरिकन है, इन सब लोगों के साथ काम करना, मतलब वो बोलते थे कि हमने ऐसा नहीं करते, पर यू नो, ये लोगों को कुछ कह नहीं सकते हम, मिलते भी होंगे, आई डोंट नो। तो अभी थोड़ा सा वो भी है कि यू नो, हमें फिर कोरोना वायरस ना हो जाए शुरू करने के बाद जॉब, यू नो, तो लेट्स सी अब क्या होता है, देखते हैं। पर डेफिनेटली अभी तो मौसम धीरे धीरे बहुत अच्छा हो रहा है, और प्रोबेबली दिस वीकेंड नॉट बट नेक्स्ट वीकेंड आई थिंक मेमोरियल डे होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे ना सारे बीचेस खुल जाते हैं, लाइक समुंदर पे आप जा सकते हो, यू नो, ओशन के पास। अभी मेमोरियल डे आ रहा है और देखते हैं कैसा है। अभी तो कोई नहीं जाएगा ना समुंदर के पास, अभी किसी को अलाउ नहीं करेंगे। और यूजुअली तो ये दिन जब भी खुलता है ना, तो उस दिन बहुत यहाँ पे, यू नो, क्राउड होता है, और लाइक मेमोरियल डे पे शुरू होता है और लेबर डे पे लास्ट डे होता है, तो उस दिन भी बहुत होता है, बीच में तो होता ही है, पर बहुत क्राउड होता है। पर अभी नहीं पता ये साल कैसा होगा, तो हम देखते हैं। आई होप ये साल भी हम बाहर निकल सके, सेनो सा समर टाइम पे हम लोगों ने 1 साल पहले हैकिंग का किया था, पैसे भर लिए हैं, जो ना जंगल पे जाके लोग हैकिंग करते हैं, अंदर यू नो एक्टिविटी सारी बहुत होती है, तो अब पता नहीं है यहाँ पे होगा कि नहीं होगा है, पर लेट्स सी, देखते हैं। आई होप सो एवरीथिंग्स बी ऑल राइट, यू नो, ये सब कुछ वायरस चला जाए यहाँ से और सब, यू नो, नॉर्मली लाइफ यहाँ पे फिर से शुरू हो जाए जैसे पहले हम लोग, यू नो, कर रहे थे। तो इस तरह से, यू नो, बैक टू नॉर्मल हो जाने के बाद लगता है कि लाइफ फिर से जी सकते हैं। अभी तो लगता है कि ना किसी ने हमें, यू नो, घर पे कैद कर लिया हो, अभी ऐसा हालत है अभी तो। पर अच्छी है यार अपने के लिए ये ना, ये सब कुछ, लेट्स सी क्या है क्या नहीं, ये तो बाद में होगा। सो आई होप सो आप लोग भी अपना अपना ख्याल रखो, टेक केयर। और मैं अपना यही ब्लॉग ख़त्म करती हूँ, फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, धन्यवाद।